डिस्पोजेबल चम्मच से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स के खाने पीने के प्रोडक्ट्स के रैपर तक हर जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का बोलबाला है। दुनिया भर में सिंगल प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल अब न सिर्फ प्रदूषण का बड़ा कारण साबित हो रहा है बल्कि धरती के लिए भी खतरे की घंटी बनता जा रहा है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए उसे रिसाइकिल करने के कई तरीके खोजे जाते रहे हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इन प्लास्टिक के रैपर्स से खूबसूरत बैग्स भी बनाए जा सकते हैं? ये सुनकर बेशक आप थोड़ा हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये कारनामा पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी इकोकारी में सितंबर 2022 से हो रहा है। इकोकारी चिप्स के पैकेट से लेकर ऑडियो और वीडियो के कैसेट तक सभी तरह के प्लास्टिक को इकट्ठा करता है और ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए रिसाइकलिंग करके इससे खूबसूरत हैंड बैग्स और प्लांटर्स तैयार करता है। इस स्टार्टअप की शुरुआत की नंदन भट्ट ने, जो कि एक इंजीनियरिंग और मार्केटिंग के बैकग्राउंड वाले इंसान है। नंदन के पास एक अच्छा बैंक बैलेंस था और वो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। कॉरपोरेट नौकरी करने वाले भट्ट किसी तरह प्रकृति से जुड़े। नंदन हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और एक वर्कशॉप की स्थापना की, जो कि बाद में इकोकारी बन गई। इन इकोकारी वी आर वर्किंग ऑन टू बेसिक मिशंस। वन इज वी आर ट्राइंग टू कंजर्व द एनवायरनमेंट बाय अपसाइक्लिंग सिंगल यूज प्लास्टिक लाइक बिस्किट पैकेट, चिप्स पैकेट्स, गिफ्ट रैपर्स, ecom packets, and now we have started using audio and video cassettes also. And the second part of the mission is that we are enabling livelihood of women and youth by teaching them how to use charkha and handloom for the upcycling process. So that's what we do as in a process. Now about the organization, if you see, there are two words in our organization, eco and kari. So the eco has been taken from the eco-friendly word, so that's the first part, and kari from the karigar, which is a Hindi word for the artisans. So these are the two basic missions which I actually told. इसके लिए उन्होंने हार्डवेयर और कच्चे माल की व्यवस्था की, एक समान विचारधारा वाली टीम को इकट्ठा किया, उन्हें ट्रेंड किया, प्रक्रियाओं को स्थापित किया, गुणवत्ता की जांच की, ग्राहकों को पिच किया, धीरे धीरे चीजें सेट होने लगी और इकोकारी ने आकार लेना शुरू कर दिया। नंदन बताते हैं कि उनके पास कई जगहों से वेस्ट मटेरियल रिसाइकलिंग के लिए आता है, कुछ ब्रांड्स भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, तो वहीं कुछ एनजीओज ने भी इस नेक काज में हाथ आगे बढ़ाया है। The process starts from the collection of the waste. Now we don't do the collection on our own, so we have tied up with a couple of organizations who work with waste pickers. So they collect, they segregate, and then they give it to us. The other part of the major source of the waste comes from the donations. So there are a lot of individuals who know about us. So they keep accumulating their waste in their home. Once it's sizable, they ship it to us. You might have seen a lot of couriers which are coming to us. The third is we have tied up with a lot of companies who are into food manufacturing. So they send us their factory waste. And at the end of the day, if there's something more requirement is done, then we have a lot of wholesalers in and around the city from whom we buy. बता दे चले कि ये स्टार्टअप का पूरा प्रोसेस मैनुअल लेबर ओरिएंटेड है और इसमें कुछ हद तक शिल्प कौशल भी शामिल है। हैंडबैग से लेकर पर्स, टोट बैग्स और बुक कवर तक ब्रांड के ई स्टोर के सभी उत्पादों को कारीगरों द्वारा चरखे से बुनाई जैसे ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सभी तरह के कचरे से हैंडमेड प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं। इससे न सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में मदद मिल रही है बल्कि इस स्टार्टअप में शामिल सभी महिलाओं को भी आजीविका का नया स्रोत मिला है। फिलहाल इस यूनिक थॉट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।